Hello children, welcome to channel of Little Master Public School for 2nd standard. Today's our subject is computer. In our previous video, I will explain you about chapter number 1, a computer and its uses. Yani computer kya hai aur kis kis place mein uska use hota hai. So there are many places we show where computer work in our this class. I will explain you about chapter number 2, how computer work, yani computer kaise kaam karta hai. So computer can perform several jobs, yani computer bahut sara job karta bahut jagah pe alag alag tarah ke different thing karta hai, different work karta hai. So but there are many machine also, they can work for us, वो हमारे लिए काम करते हैं, but वो कभी भी अपने आप काम नहीं करते हैं. They cannot work that their own, वो अपने आप काम नहीं करते हैं. We will instruct them what to do and how to do. हमको उनको instruction देनी पड़ती है, command देना पड़ता है कि हमको क्या चाहिए और कैसे उसे करना है. जैसे कि एग्जाम्पल फॉर मैं एक मशीन ले लेती हूँ लाइक रेफ्रिजरेटर. तो हम हमारे घर पे रेफ्रिजरेटर है. सो वो तीन स्टेप में काम करता है, इनपुट आउट इनपुट प्रोसेस और आउटपुट. तो जैसे कि मैंने एक बॉटल लिया, बॉटल में पानी भरा, ठीक है, उसको रेफ्रिजरेटर में ठंडा होने के लिए रखा. तो जब मैंने उसको ना रेफ्रिजरेटर में रखा तो पूरा दिन वो रेफ्रिजरेटर में ठंडा हो रहा है, ठीक है. फिर मैंने वो बॉटल निकाला तो वो ठंडा पानी हो गया था. तो मैंने क्या क्या किया, मैंने पानी की बॉटल रेफ्रिजरेटर में रखी, वो हमारा इनपुट हुआ. रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, पानी को ठंडा कर रहा है. तो वो क्या हुआ, प्रोसेस हुआ. जब हमने बॉटल निकाला तो हमको क्या मिला, पानी पूरी तरह से ठंडा मिला, वो हमारा हुआ आउटपुट. लाइक दिस कंप्यूटर आल्सो वर्क, यानी इसी तरह कंप्यूटर भी काम करता है. कंप्यूटर के भी मेन थ्री स्टेप है, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. तो हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर की, यानी कंप्यूटर कैसे काम करता है. जैसे कि मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है. इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, इनपुट करना है. तो सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे 4 और 5 को ऐड करना है. क्या करना है, ऐड करना है, एडिशन करना है. सो ये मैंने कंप्यूटर में इनपुट किया, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको ऐड करो. क्या करो, ऐड करो. कंप्यूटर क्या करेगा, सीपीयू में जाके उसको प्रोसेस करेगा कि 4 प्लस 5 कितना होता है. तो बदले में जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे. क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे. सो कंप्यूटर के साथ हमने क्या किया, पहले मैंने उसको कोई दो नंबर मैंने इनपुट किए, फिर उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि उसे एडिशन करो. कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया कि 4 प्लस 5 कितना इक्वल टू हाउ मेनी, यानी कितना होता है. सो फिर उसने जो आंसर दिया वो हमारा आउटपुट बन गया, ठीक है. सो ये था हमारा वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है. अब अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा. व्हाट इज डेटा, सो कंप्यूटर नंबर या अल्फाबेट या लेटर कोई भी चीज हम इनपुट करते हैं. तो
कंप्यूटर में हमको लिखना तो पड़ता है। सपोज मैंने लिखा दिस इज माय कंट्री, यानी ये मेरा देश है, तो वो हमारे लिए कंप्यूटर के लिए क्या हुआ, डेटा हुआ। तो जो नंबर और जो लेटर है वो कंप्यूटर के लिए डेटा हुआ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 4+5 इक्वल, कंप्यूटर ने क्या आंसर दिया, 9। तो ये क्या, ये ना जो एग्जांपल है वो कंप्यूटर के लिए डेटा हुआ। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को हम जो भी है ना कमांड देते हैं। जैसे कि मैंने कंप्यूटर को कमांड दिया कि हाउ टू वर्क एंड व्हाट टू डू, यानी कैसे काम करना है और क्या काम करना है, तो वो है ना कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन बन गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को 4+5 कितना होता है, तो कंप्यूटर ने आंसर दिया 9। सो ये हमारा आउटपुट हो गया। हमने इंस्ट्रक्शन में क्या बोला था कि आप 4+5 करके दिखाइए, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया था, तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। ओके, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो कंप्यूटर को जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से वो जो डेटा उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करके जो आउटपुट देता है हमें, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। लाइक मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि 1+1 इक्वल टू हाउ मेनी, सो कंप्यूटर ने इसको प्रोसेस किया और मुझे आउटपुट दिया 1+1=2। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया, ट्रू जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। ओके, सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 हाउ कंप्यूटर वर्क। ओके चिल्ड्रंस, अब ये आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, आपको उसी तरह से आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है और उसे लर्न भी करना है। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी टी लिखना है ट्रू के लिए और एफ लिखना है फॉल्स के लिए। प्रोसेसिंग इज ऑलवेज डन इनसाइड द सीपीयू, यानी प्रोसेसिंग हमेशा सीपीयू के अंदर होता है, सो इट इज ए ट्रू, ये सही है। तो हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी। कीबोर्ड इज एन आउटपुट डिवाइस, तो कीबोर्ड एक आउटपुट डिवाइस है, बट कीबोर्ड आउटपुट नहीं इनपुट डिवाइस है। जैसे कि हम कंप्यूटर में कुछ इनपुट करते हैं तो कीबोर्ड से हम हमेशा नंबर या अल्फाबेट टाइप करते हैं, इसलिए वो इनपुट हुआ, क्या हुआ, इनपुट, इसलिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ। फिर थर्ड, मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस। जैसे कि सीपीयू में से कुछ कोई भी है ना इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आया तो वो हमको कहाँ दिखाएगा, मॉनिटर स्क्रीन में। तो ये सेंटेंस ट्रू है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे हम ट्रू लिखेंगे, टी लिखेंगे। फोर, द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी सीपीयू में से जो है ना डेटा प्रोसेस होके आता है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो नोन एज कमांड, इंस्ट्रक्शन को हम कमांड के नाम से भी जानते हैं। हम कंप्यूटर को कमांड दे या इंस्ट्रक्शन दे, दोनों एक ही है, इसलिए यहाँ पे ट्रू आएगा।
टी ओके। अब आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, अनजंबल द जंबल वर्ड, यानी यहाँ पे कुछ वर्ड है जिसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, उसे एक मीनिंगफुल वर्ड में हमको कन्वर्ट करना है, बदलना है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है मशीन। क्या है मशीन? मशीन की स्पेलिंग क्या होती है? एम ए सी एच आई एन ई। एक और बार मैं रिपीट करती हूँ, एम ए सी एच आई एन ई। सेकेंड डेटा, ओके। फिर थर्ड इनपुट है, तो इनपुट की स्पेलिंग क्या है? आई एन पी यू टी। एक और बार, आई एन पी यू टी। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन। क्या है इन्फॉर्मेशन? इन्फॉर्मेशन की स्पेलिंग क्या है? आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, आई एन एफ ओ आर एम ए टी आई ओ एन। ओके, ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स? ए कंप्यूटर परफॉर्म इट्स फंक्शन इन थ्री स्टेप। फिलिंग यहाँ पे तीन फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं, यानी ये कहना चाहता है कि कंप्यूटर जो फंक्शंस में काम करते हैं वो स्टेप कौन से हैं? तो यहाँ पे आएगा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। ओके, सेकेंड द नंबर्स और वर्ड गिवन टू ए कंप्यूटर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक। तो कंप्यूटर को जो नंबर और वर्ड हम देते हैं उसे डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटा। ओके, थर्ड द इनपुट इज गिवन टू ए कंप्यूटर बाय एंड फिल इन द ब्लैंक डिवाइस। तो हम कुछ इनपुट करते हैं तो वो हम इनपुट डिवाइस में से उसे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी इनपुट करते हैं। द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक यूनिट। तो प्रोसेसिंग डिवाइस को हम प्रोसेस यूनिट कहते हैं या प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ओके, द मॉनिटर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स डिवाइस। तो कंप्यूटर में मॉनिटर को कौन से डिवाइस के नाम से जानते हैं? आउटपुट डिवाइस के नाम से। यहाँ पे आएगा आउटपुट डिवाइस। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपको अपने नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।